हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ देख रही थी शाम के टाइम पर फ़ोन, मेरी डे रूटीन शुरू हो चुकी है। मतलब एक ब्लॉग्स मैंने रात में ही बनाया था, और ब्लॉग्स नहीं, क्लिप, और ये कुछ मैंने रात में शूट की थी। और ये हम दोनों, तीनों बहनें देख रही थी, और मेरी छोटी वाली बहन पढ़ रही थी। और फिर रात को मैंने सोचा अभी थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, फिर सुबह के वीडियो में उसे भी ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मेरे धर्मी और मेरे पापा थे, और मेरे भाई थे, पढ़े। और फिर गई थी हमारी सुबह, तो गुड मॉर्निंग गाइस सुबह के लिए बोलती हूँ। और सुबह मैंने फेस वॉश करने के बाद फ्रूट क्रीम लगाई, और ये था मेरा लिप बाम जो मेरा फेवरेट है। और मेरी डे रूटीन, मतलब मेरी स्किन केयर इतनी सी है, मैं फ्रूट क्रीम लगाती हूँ और ये लिप बाम बस। और ये फ्रूट क्रीम मेरी बेस्ट है, मैं विंटर सीजन में और समर सीजन में भी इसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यही मुझे सूट करती है। और यहाँ पे बना रही थी मैं अपने लिए कुछ, क्योंकि आज वैसे मैं जानती हूँ जहाँ, क्योंकि आज अदरक नहीं था, इसलिए मुझे कॉफ़ी बनानी पड़ी। और फिर आज मैंने खाया, क्योंकि आज हमारे घर में अदरक खत्म हो रहा था, मुझे अदरक की चाय पसंद है। वैसे सिंपल चाय मैं नहीं पीती, और मुझे मजबूरी में कॉफ़ी पीनी पड़ती है। जब अदरक नहीं होता तो फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि बाई चांस अदरक ख़त्म हो जाता है। फिर और कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी। और आप इसका कलर देखिए, कितना मस्त कलर आ रहा है, और जितनी लिखने में अच्छी लग रही है, उतनी टेस्टी थी, पीने में भी इतनी अच्छी लग रही थी। और फिर मेरे अम्मी ने पापा बैठे थे, उनके साथ बैठ कर ये इंजॉय कर रही थी। कॉफ़ी का कलर देखिए कितना बेस्ट। और मेरा बहुत छोटा ब्लॉग्स है, मतलब आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला, ऐसे तो रोज़ इतना टाइम नहीं मिलता, मेरा बहुत छोटा ब्लॉग्स आता है। और मेरा वीडियो डालने का भी कोई टाइम नहीं है, मैं किसी भी टाइम वीडियो डाल देती हूँ। और फिर मैंने हर चीज़ सरसों की भूजी काली दाल वाली, और ये रात बनी थी, और मुझे सुबह को भी यही खानी पड़ी, और वह खानी पड़ गया। मैंने खाई क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, बहुत मुझे फेवरेट है मेरी, मुझे बहुत पसंद है यह। और ज़्यादातर मतलब जिसमें काली दाल डलती है वही भुजी मुझे अच्छी लगती है। सब्जी, सरसों की सब्जी, इसमें हमने काली दाल डाली थी, और बहुत टेस्टी हो रही थी, अम्मी ने बनाई थी। अम्मी के हाथ का खाना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, और वो चाहे कुछ भी डाले या ना डाले, पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है कि उनके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैंने सोचा कि मैं दो चार रोटियां और डाल लेती हूँ, फिर मैंने चावल के आटा गूंदा। मतलब रोटी तो मैं इतनी बनाती हूँ, अम्मी या मेरी बहन बनाती है रोटी। और फिर मैंने चावल का आटा बस गूंदा और फिर रख दिया। फिर उन्होंने रोटी बनाई, अब देखिए रोटी की भी वीडियो है इसमें। और ये थे हमारे मिठू जो लड़ रहे थे, और ये देखिए हमारे मिठू किस तरह लड़ रहे थे बकरी के बच्चे के साथ। मतलब जो जानवर होते हैं ना, उनमें भी कितना मतलब कितनी दुश्मनी होते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर मेरा काम मैं आ गई थी अपने कमरे में, मतलब मैं दिखा रही थी आपको अपना कमरा। हमारा कमरा सिंपल सा ही है, हमारा एक ही कमरा है, और मतलब एक कमरा है, दो बेड है एक ही कमरे में, और इतना कुछ नहीं है हमारे कमरे में, मतलब फैशनेबल नहीं है, एक सिंपल सा कमरा है बस। और फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, मतलब चावल का आटा मैं बड़े ही अजीब तरीके से गूंथती हूँ, और ऐसे दोनों हाथों से मसल कर मैं दोनों हाथ भर लेती हूँ अपने, लेकिन फिर भी आटा मुझसे अच्छा नहीं गूंथता।
क्योंकि ऐसा मैं जान कर करती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं धान की रोटियां बनाऊँ, क्योंकि धान की रोटियां मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ गेहूं की रोटी खाती हूँ। और यहाँ पे मेरा आटा तैयार हो गया था, मेरा आटा बन गया था यहाँ पर। और फिर अब मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियां, और मैंने उसकी थोड़ी वीडियो बनाई क्योंकि फिर मैं खाने लगी थी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। और फिर मैंने शुरू कर दी रोटियाँ बनानी। देखिए मेरी मम्मी कितनी अच्छी गोल गोल रोटियाँ बनाती हैं चावल के आटे की। और ज़्यादा ज़्यादा आटा लेकर वो बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियाँ बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने बांध दिया था अपना टिफ़िन दोपहर के लिए, मैं शॉप पर ही से ही खाऊँगी। और ये बची थी उसमें सब्जी, मतलब मेरी फेवरेट सब्जी है ये, और उसमें बाद में बच गई थी। वैसे तो मैंने अपनी जितनी मुझे लेनी थी मैंने उतनी ली, और बाकी सब्जी को मैंने ढक कर रख दिया। फिर मैंने शुरू कर दी यहाँ पे दुकान पे जाने की तैयारी, मतलब शॉप पे। और फिर मैं चल रही शॉप की तरफ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मम्मी भी मेरे साथ शॉप पर जा रही है बहुत दिनों के बाद। वैसे मैं डेली अकेले ही जाती हूँ, मैं जाती हूँ और मेरी बहन जाती है मेरे साथ में। और यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा काम। वैसे जब माँ साथ में रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर काम शुरू करने के बाद मैं, यहाँ लंच का टाइम हो गया था, फिर मैंने खाना खाया। तो गाइस